नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। अर्णब गोस्वामी और भारत के पूर्व सीईओ मिस्टर पार्थो के बीच टीवी चैनल की टीआरपी को मैनेज करने संबंधी 512 पेज की व्हाट्सएप चैट मुंबई पुलिस के हवाले से वायरल हो रही है। इन चैट्स में अर्णब गोस्वामी देश के अनगिनत केंद्रीय मंत्रियों और यहाँ तक कि पीएमओ तक के साथ सेटिंग के कई गंभीर दावे कर रहे हैं। बार की ये वह एजेंसी है जो पूरे देश में टीवी चैनलों की टीआरपी को निर्धारित करती है और उसी के द्वारा तथा कथित गुप्त स्थान पर लगाए गए बॉक्स के जरिए ही टीआरपी मापी जाती है। किसी टीवी चैनल की अधिक टीआरपी अर्थात अधिक दर पर विज्ञापन पाने की गारंटी इसी वजह से हर चैनल टीआरपी में नंबर एक होना चाहता है। पर अर्णब ने अपना चैनल खोलने के लिए नैतिकता से समझौता करने का जो शॉर्टकट अपनाया था, वैसा ही चोर रास्ता उसने अपने चैनल को टीआरपी में एक नंबर बनाने के लिए अपना लिया। उसी वायरल चैट में एक जगह अर्णब दावा कर रहा है कि इंडिया टीवी के मालिक और दूसरे सुपारी संपादक रजत शर्मा खुद अर्णब के पीछे पड़े हुए हैं। गौरतलब है कि इंडिया टीवी की पूर्व एंकर सुचारिता कुकरेती को अर्णब गोस्वामी ने अपने हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत में एंकर के तौर पर नियुक्त किया है, जबकि खुद रजत शर्मा इसके लिए राजी नहीं थे। इस मामले में भी इंडिया टीवी और सुचारिता कुकरेती के बीच में अदालत तक बात पहुंच गई थी। टीआरपी को लेकर मुंबई पुलिस की कार्रवाई के पश्चात इन दोनों के बीच की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। वायरल चैट के जरिए ये भी पता लगता है कि अर्णब गोस्वामी के दिल में रजत शर्मा के अलावा बाकी के सुपारी पत्रकार जैसे नविका कुमार आदि के लिए भी अर्णब की क्या भावनाएं हैं। इन चैट से स्पष्ट पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में सत्ता के गलियारों में घुसपैठ कर चुकी यह चंडाल मंडली किस तरह से देश के संसाधनों को लूटने में लगी है। टीआरपी स्कैम में देश में जारी सरकारी साठगांठ के पूरे खेल को बेपर्दा कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहे तो टीआरपी स्कैम एक तरह से मोदी सरकार का नीरा राडिया टैप स्कैम साबित हो रहा है। पूरी संभावना है कि मुंबई पुलिस जल्द ही अर्णब गोस्वामी को इस मामले में भी गिरफ्तार कर ले और एक बार फिर से माननीय उच्चतम न्यायालय को देश में स्वतंत्रता के अधिकार की पैरवी करने को मजबूर होना पड़े। जब पत्रकार केवल धन और सत्ता पाने के लिए पत्रकार बन जाते हैं तो नैतिकता के साथ साथ देशहित भी दांव पर लग जाता है। जो भ्रष्टाचार किसी समय बरखा दत्त ने किया, उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार अर्णब गोस्वामी और उन जैसे अनगिनत फर्जी पत्रकार आज भी रोजाना कर रहे हैं। यही इस समय मीडिया की शर्मनाक स्थिति है। वही अर्णब गोस्वामी का व्हाट्सएप कांड देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ सेना के युद्ध मिशन की गोपनीयता पर प्रश्न चिन्ह है। वह न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि पूरे देश को डराने वाले हैं। अर्णब गोस्वामी के द्वारा विभिन्न लोगों को भेजे गए व्हाट्सएप की डिटेल सार्वजनिक होने का सबसे गंभीर पहलू ये है कि अर्णब गोस्वामी को भारत की सेना के गुप्त अभियानों तक के बारे में पहले से पता चल रहा था। अर्णब गोस्वामी की ये व्हाट्सएप चैट को पढ़ने के बाद खुद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। देश और उनकी सेना की सुरक्षा के मद्देनजर इन प्रश्नों के उत्तर जल्द से जल्द दिए जाने की जरूरत है। भारत सरकार को तुरंत ही एक हाई लेवल जांच समिति का गठन करके निम्न प्रश्नों के आधार पर जांच करवानी चाहिए। अर्णब के पास भारत की सेना के गुप्त मिशन की सूचना कहां से आई? वहीं रवीश कुमार ने कहा कि सारे एंकरों और चैनलों के मालिक अर्णब ही हैं। आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? भारत का 99.999% मीडिया गोदी मीडिया है। ये एक परिवार की तरह काम करता है। इस परिवार के संरक्षक का नाम आप जानते हैं। इस परिवार में सारे एंकर और चैनलों के मालिक अर्णब ही हैं। नाम सबके अलग हैं, मगर काम अर्णब का ही है। आप सोचिए कि एक अर्णब दूसरे अर्णब के बारे में कैसे बोलेगा, इसलिए अर्णब के बारे में चुप ही रहेगा। भले इस कथित चैट में गोदी मीडिया की आपसी प्रतिस्पर्धा दिख रही है, लेकिन आप ये भी देखिए कि गोदी मीडिया का संरक्षक कौन है। क्या ये गोदी मीडिया दुस्साहस करेगा कि वह अपनी आपसी प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में संरक्षक को सामने ले आए? कभी नहीं करेगा। इसलिए वह अर्णब को बचाने के लिए चुप नहीं है, बल्कि उस अपने संरक्षक को बचाने के लिए चुप हैं। वहीं अर्णब गोस्वामी की लीक हुई चैट से पाकिस्तान को भरपूर फायदा हुआ है।
उसके विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी कर पुलवामा हमला भारत के माथे मर दिया है, भारत को आतंकवाद प्रायोजक बताया है। बाकी अब दुनिया ये मान भी सकती है। अर्नब के चैट में झलकती खुशी और फिर बालाकोट के पहले की जानकारी सरकार गोदी मीडिया नेक्सस का भरपूर सबूत है। वहीं वैसे ये भी कम गजब नहीं है कि भारतीय सेना के मिशन से संबंधित गोपनीय जानकारी लीक होने की बात अर्नब के व्हाट्सएप से निकली है और एनआईए ने नोटिस आंदोलनकारी किसानों को भेज दिए हैं। अगली चैट में कुछ और धमाकेदार निकला तो कहीं सीबीआई किसानों को ना उठा ले। आगे बढ़ते हुए टीवी चैनल की रेटिंग जारी करने वाली संस्था ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया न्यूज चैनल की रेटिंग के लिए अपनी ब्लैकआउट अवधि को और 3 महीने तक बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबर निकलकर सामने आई है। टीआरपी से छेड़छाड़ के मामले को लेकर मचे घमासान के बीच बार्क ने 15 अक्टूबर 2020 को 12 हफ्ते के लिए न्यूज़ चैनल की रेटिंग ना जारी करने का फैसला किया है, जिसकी समय सीमा का आखिरी दिन 15 जनवरी शुक्रवार था। बताया जा रहा है कि इस ब्लैकआउट की समय सीमा को मुंबई पुलिस द्वारा टीआरपी घोटाले की जांच के चलते बढ़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के विचारों में भिन्नता दिखाई दे रही है। वरिष्ठ टीवी पत्रकार रजत शर्मा के नेतृत्व वाले न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया को सुझाव दिया है कि न्यूज़ चैनल की व्यूअरशिप रेटिंग जारी करने पर लगाए गए प्रतिबंध को कुछ महीनों तक और बढ़ा दिया जाए, जबकि वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के नेतृत्व वाले न्यूज़ ब्रॉडकास्ट फेडरेशन ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल से न्यूज़ चैनल की रेटिंग तुरंत प्रभाव से जारी करने की मांग की है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक रेटिंग प्रकाशित नहीं की जाएगी और यह भी बताया था कि इस पूरी जांच में 8 से 12 सप्ताह लग सकता है। वहीं आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार सहित देश में चलने वाले तमाम ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के स्वयं नियमन के लिए एक कानून बनाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये कानून ओटीटी और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक फ्रेमवर्क को प्रभाषित करेगा और संवेदनशील कंटेंट व फेक न्यूज़ जैसी समस्याओं का समाधान करेगा। बताया जाता है कि डिजिटल मीडिया के सेल्फ रेगुलेशन का मुद्दा इस महीने उच्च स्तर पर उठाया गया था। MIB 2 विकल्पों पर काम कर रहा है। इसमें से एक तो है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तर्ज पर डिजिटल न्यूज़ और OTT प्लेटफॉर्म के लिए सेल्फ रेगुलेशन इकाई का गठन किया जाए, जबकि दूसरा विकल्प कानून का मसौदा तैयार करता है। डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के औचित्य के बारे में मंत्रालय का कहना है कि उसे तमाम OTT प्लेटफॉर्म पर भाषा और अश्लीलता को लेकर बहुत शिकायतें मिली हैं। वहीं डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट को लेकर फेक न्यूज़ संबंधी शिकायतें मिली हैं। अब तक OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन के लिए कोई कानून नहीं था। वहीं आगे बढ़ते हैं। अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर स्टेट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फेसबुक के स्वामित्व वाले इस ऐप ने प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को 3 महीनों के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि व्हाट्सएप ने पिछले दिनों अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था। व्हाट्सएप का कहना था कि कई प्राइवेसी पॉलिसी ना अपनाने पर यूज़र का व्हाट्सएप अकाउंट 8 फरवरी 2021 को सस्पेंड अथवा डिलीट हो जाएगा। व्हाट्सएप के इस फैसले की काफ़ी निंदा हो रही थी। नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। हालांकि व्हाट्सएप ने यूज़र को ये समझाने का प्रयास किया कि उनकी पर्सनल चैट बिल्कुल प्राइवेट रहेगी, लेकिन लोगों के बीच इस बात को लेकर भरोसा जगाने में व्हाट्सएप को कोई मदद नहीं मिली। अपने एक ब्लॉग में व्हाट्सएप का कहना था, हमें पता चला है कि हमारे अपडेट को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम है। तमाम गलत जानकारियों के कारण ये चिंता हो रही है। व्हाट्सएप पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी कैसे काम करती है उसके बारे में
गलत जानकारी को दूर करने के लिए हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। अब फरवरी की जगह मई में नई पॉलिसी के लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोबाइल टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है। अपने फ़ोन को पहले से कहीं अधिक तेजी से अपग्रेड करने की चाहत रखने वाले यूज़र द्वारा किफ़ायती और मिड रेंज सेगमेंट की मांग अधिक बढ़ रही है, खासतौर पर महामारी के बाद की दुनिया में। किफ़ायती मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरणा बढ़ी है ताकि उपभोक्ता को शिक्षा से लेकर मनोरंजन और फिटनेस सेवाओं तक आसानी से पहुँचा प्राप्त हो। इस ट्रेंड को भुनाने के लिए वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली फ्लिपकार्ट भारत में अपनी तरह का पहला अनोखा फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक सब्सक्रिप्शन बेस्ट ऑफरिंग पेश कर रही है। फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक ग्राहकों को उनके नए स्मार्टफोन की खरीदी पर 100% मनी बैक देगा। 12 या 18 महीने तक की अवधि के विकल्प और निश्चित मासिक शुल्क के साथ बेहतरीन सब्सक्रिप्शन सेवा प्राप्त करने की सुविधा देता है। फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक सब्सक्रिप्शन स्कीम का फायदा उठाने वाले ग्राहक डिज्नी प्लस हॉटस्टार, वीआईपी, सोनी लिव, G5 प्रीमियम, कल्ट फिट लाइट, जोमैट प्रो, गाना आदि जैसे और भी पॉपुलर सब्सक्रिप्शन ऐप के लिए एक निश्चित मासिक शुल्क का भुगतान करके फ्लिपकार्ट ऐप पर 100% मनी बैक प्लान के साथ नया स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। सभार, भड़ास्पोर मीडिया, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, डिडोन एक्सप्रेस।